पॉलिसी को समझ की लड़ है दुनिया के स्टेट पॉलिसी होंगे ने समझ की लड़ है। गुरु अर्जन साहब का जो शहादत का फतवा है वह यासा वा सियासत है कि गुरु का जोड़ा शरीर का खून है वह जमीन पर नहीं डुलना चाहिए। वह सियासत बाबा यासा का फतवा है कि जोड़ा किसी मनुख का धार्मिक मनुख का जोड़ा खून है जमीन पर नहीं डुलना चाहिए, उन्होंने देग चो बाल दिता जाए, उन्होंने तवी से साड़ दिता जाए, उन्होंने नदी च रोड़ दिता जाए। पर गुरु तेग बहादुर साहब के वेले इवें नहीं है कि वह धार्मिक व्यक्ति नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब के उपर जोड़ा फतवा लाया वह साढ़े जोड़े धार्मिक स्रोत ने असी कहने तिलक जंजू राखा प्रभताका यह साडा नजरिया है। पर जेकर तुसी किते सियाल मुताखरीन ते मुंतकबिल नवाब खाफी खान ते गुलाम हुसैन पढ़ते हैं तो गुरु साहब के उपर जोड़ा दोष लाया जा रहा है वह उही है जोड़ा एक अतवादी से लगता कि गुरु तेग बहादुर साहब ने हफीज़ आदम पठान के नाल पंजाब के जोड़ा शांतमय माहौल है उन्होंने अपनिया लुट्टा खूह ने खराब किया इस करके असं कतल कर रहे हैं। हुण जिथे भी धार्मिक चेतनता जन्म लेंदी है तो धार्मिक चेतनता च प्रवाहित होने वाले लोगों को हमेशा अतवादी कहा जाता है। वो तुसी संत जरनैल सिंह तो लैके जसपाल सिंह की शहीदी तक वेख लो जां हुण जम्मू दे विच जिहड़ी शहादत होई है उहदे च की सानूं स्टेट पॉलिसी समझण की लोड़ नहीं है। हमेशा ही जिहड़ा बंदा किसी भी घट गिणती कौम दे विचों एस्टैबलिश स्टेट के खिलाफ धार्मिक आजादी की गल करदा वा अतवादी हुंदा। ब्रिटिश के वास्ते भगत सिंह भी सीगा। गुरु तेग बहादुर साहब वर्गी जी विराग की मूर्त ने जे वो अतवादी हो सकते हैं इस्लामिक स्टेट के वास्ते तो आम सिख क्यों नहीं। इस वास्ते ये शब्द ये लकब साडे वास्ते वरते जाते हैं तो यह कोई अणहोई ज नवी गल नहीं है, यह हमेशा ही इंज हों। जो हूँ असी जिहड़ा जम्मू के जसजीत सिंह का शहादत हुई है असी वेखते हैं तो वो भी सू उस पॉलिसी को समझना चाहिए। 30 साल तो जोड़े सिख ने उत्थे 1984 का घल्लूघारा दिवस मना रहे 30 साल तो लगातार बहुत वारी मैं भी उत्थे संगतां दे नाल मुखातिब होने वास्ते जाता रहा और मैं हर स्टेज पर कहता रहा कि जेकर 1984 मनाए जाते घल्लूघारे का इकट्ठ वेखना है तो केवल जम्मू च वेख्या जा सकता है क्योंकि जितों तक एक बुलारा खड़ा होकर बोल रहा होंदा उन्हूं दस्तारां तो बिना कुछ नज़र नहीं आ रहा होंदा। तकरीबन 20 तो लैके 30 हज़ार का इकट्ठ हुंदा है तो हैरानगी की गल है कि एक पिन भी डिगे तो वो भी आवाज़ सुनाई दी इन्ने शांतमय माहौल के लोग बराग च सुन रहे होंगे ने। यह मैं अपनी जिंदगी 1984 के घल्लूघारे की याद में समर्पित समागम मैं जम्मू तो वड्डे किते नहीं वेखे हर साल मनाए जाते हैं। इस वरी क्यों इस वरी यह समस्या क्यों सामने आई है कि जसजीत सिंह की शहादत हुई है वो पिछे भी सानू स्टेट पॉलिसी को समझने की लोड़ है क्योंकि उत्थे जिहड़े तीन धिर ने एक सिख समाज है एक इस्लामी समाज है एक हिंदू समाज है। इस्लामी समाज का एक पक्ष जिहड़ा है वह चाहे नैशनल कॉन्फ्रेंस के रूप च होवे जिहड़ा कांग्रेस के नाल साझीदारी पा के राज करदा है ते जां पीडीपी के रूप च होवे वह हमेशा ही एस्टैबलिश रहे ने। दूजे पासे उत्थे जिहड़ी हिंदू ताकत है वह पहली वारी कांग्रेस तो बाद इस वारी बीजेपी के रूप च सामने आई है। इस करके उन्होंने जिहड़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा डिप्टी उत्थे दा चीफ मिनिस्टर है वह इस वारी बीजेपी का है। हुण जदों पीडीपी 30 साल तो नैशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नाल 30 साल उत्थे अलायंस चलते रहे ने उत्थे सिखां दे नाल किसी तरह का कोई इस तरह की घटना नहीं वापरी पर इस वारी क्यों वापरी है उसका एको ही कारण है कि हुण उत्थे जिहड़ी विचारधारा आई है वह बीजेपी की विचारधारा है। हुण 31 साल के उस विचारधारा च फर्क पिया सिख तो उही घल्लूघारा उही याद उही रोस दिवस मना रहे हैं पर हुण उस विचारधारा दे विच फर्क पै गया है। हुण उत्थे वह विचारधारा काबज है जिहड़ी सिख नूं मैं टर्किश फनामने की गल की सी उस तो अगे आ जांदा वाइट हाउस फनामना। अमेरिका की नीति की है अमेरिका हमेशा किसी कौमी का आर्थिक तौर पर लक तोड़ता पर जिहड़ी नीति दे नाल सिख नूं लड़ना पैंदा है वह दोहे चीज़ां तोड़ती है वह आर्थिक स्रोत भी तोड़ती है उहदा शरीरक पक्ष भी तोड़ती है तो सब तो वड्डी जिहड़ी है कि जिहड़ी ब्रह्मनिस्टिक नेचर है जिहनूं तुसीं ब्राह्मणवादी नीति कहिंदे हो वह तुहाडी विचारधारा नूं डाइवर्ट कर दिंदी है वह बदला ही दिंदी है। वह इस तरह के नाल है कि सब तो पहला तो वह जिस तरह चाणक्य कहिंदा है कि दनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम पंचम यत्र न विदत है तत्र देव संसेदम कि कौम के कोलों उद्योग खत्म कर दो विद्या खत्म कर दो नशिया के ला दो पानी ना दो इंसाफ ना दो जो ये पांच चीज़ा खत्म हो जाए फिर पैदा किए जाते हैं साडे वर्गे प्रचारक मात शत्रु पिता वैरी यैन बालक ना पठत ना सोभत सभा मदत हंस मदत बको जता कि जिहड़ी गल तुसीं अपने धर्म की करनी है वह अपने प्रचारक के नाल ना कराओ उस प्रचारक के कोलों कराओ जिहड़ा उस कौम का हिस्सा है।
साडी कौम च ही कुछ हो रहा। जिन्ना भी असी इतिहास का राष्ट्रवादी नजरिया पेश कर रहे हैं वह सारे असी प्रचार कर रहे हैं। बेशक कितने ना कितने मैं सोचता कि ये लेखकों दी भी बहुत वड्डी गलतियां ने जिन्हों नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि असी अपने इतिहास का प्रगटा जिहड़ा असी विचारधारा का प्रगटा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दृष्टिकोण तो नहीं कर रहे, असी भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण तो करते, असी राष्ट्रवाद के दायरे चो करते हैं। साडा दूजा पक्ष जिहड़ा साडियां व्याख्या प्रणालियां ने एक तो ब्राह्मणवाद के बिल्कुल फ्रेम के बचियां हुई ने, दूजी गल वह फ्रेम साडी मानसिकता च उभर चुका है, तो तीसरी गल उस फ्रेम को जिहड़ा तोड़न की कोशिश करता है कि नास्तक है। ये साडे वास्ते होर ज़्यादा नुकसानदेह हो गया कि असी वो जिहड़ा ब्राह्मणवादी कथा कहानियां का फ्रेम साडी मानसिकता दे विच उतार दिता गया असी उन्हूं तोड़ नहीं पा रहे। पर बंदा सिंह बहादुर उन्हूं किवें तोड़दा है? बंदा सिंह बहादुर राजसी चेतनता नूं पैदा करदा है, लोगों के समाज के सुधार की गल करता है, जिहड़े जुलमी लोग ने उन्होंने सज़ा दिंदा है, तो जिहड़ी उस तो बाद अस्टैबलिशमेंट करता है वो उहदी सब तो वड्डी नीति है। मैं टर्किश फिनामने की गल की सी, उस तो अगे आ जाता वाइट हाउस फिनामना। अमेरिका की नीति की है? अमेरिका हमेशा किसी कौमी का आर्थिक तौर पर लक तोड़ता है, पर जिहड़ी नीति दे नाल सिख नूं लड़ना पैंदा वो दोहें चीज़ां तोड़दी है, वो आर्थिक स्रोत भी तोड़दी है, उहदा शरीरक पक्ष भी तोड़दी है, तो सब तो वड्डी जिहड़ी है कि जिहड़ी ब्रह्मनिस्टिक नेचर है जिहनूं तुसीं ब्राह्मणवादी नीति कहिंदे हो वह तुहाडी विचारधारा नूं डाइवर्ट कर दिंदी है, वह बदला ही दिंदी है। वह इस तरह के नाल है कि सब तो पहला तो वह जिस तरह चाणक्य कहता है कि दनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम पंचम यत्रना विदत है तत्र देव सेतम, कि कौम के कोलों उद्योग खत्म कर दो, विद्या खत्म कर दो, नशिया के ला दो, पानी ना दो, इंसाफ ना दो। जो ये पांच चीज़ा खत्म हो जाए ने फिर पैदा किए जाते हैं साडे वर्गे प्रचारक। मात शत्रु पिता वैरी यैन बालक ना पठत ना सोभते सभा मदते हंस मदते बको जता, कि जिहड़ी गल तुसीं अपने धर्म की करनी है वो अपने प्रचारक के नाल ना कराओ, उस प्रचारक के कोलों कराओ जिहड़ा उस कौम का हिस्सा है। साडी कौम च ही कुछ हो रहा। जिन्ना भी असी इतिहास का राष्ट्रवादी नजरिया पेश कर रहे हैं वो सारे असी प्रचार कर रहे हैं। बेशक कितने ना कितने मैं सोचता कि ये लेखकों दी भी बहुत वड्डी गलतियां ने जिन्हों नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि असी अपने इतिहास का प्रगटा जिहड़ा असी विचारधारा का प्रगटा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दृष्टिकोण तो नहीं कर रहे, असी भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण तो करते, असी राष्ट्रवाद के दायरे चो करते हैं। साडा दूजा पक्ष जिहड़ा साडियां व्याख्या प्रणालियां ने एक तो ब्राह्मणवाद के बिल्कुल फ्रेम के बचियां हुई ने, दूजी गल वह फ्रेम साडी मानसिकता च उभर चुका है, तो तीसरी गल उस फ्रेम को जिहड़ा तोड़न की कोशिश करता है कि नास्तक है। ये साडे वास्ते होर ज़्यादा नुकसानदेह हो गया कि असी वो जिहड़ा ब्राह्मणवादी कथा कहानियां का फ्रेम साडी मानसिकता दे विच उतार दिता गया असी उन्हूं तोड़ नहीं पा रहे। पर बंदा सिंह बहादुर उन्हूं किवें तोड़दा है? बंदा सिंह बहादुर राजसी चेतनता नूं पैदा करता है, लोगों के समाज के सुधार की गल करता है, जिहड़े जुलमी लोग ने उन्हां नूं सज़ा दिंदा है, तो जिहड़ी उस तो बाद अस्टैबलिशमेंट करता है वो उहदी सब तो वड्डी नीति है।